गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अभ्यास का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। यहाँ पे फैलती चप्पलें, हमारा चार चैप्टर जो भाषा माधुरी के थे वो पूरे हो चुके हैं, उतने ही आपके पेपर में भी आएंगे, यूनिट वन में आएंगे। आज हम अभ्यास का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, फैलती चप्पलें। चित्रकथा फैलती चप्पलें में इन में से जो जो चीजें आई हैं उन पर सही का निशान लगाइए। आपके पाठ में जो चीजें आई हैं, जिनका इस्तेमाल हुआ है, उन पे आपने क्या करना है, टिक करना है। तो आपके पास रेल की पटरी आई थी, इस पे टिक कीजिए। कंगन आपके पास नहीं आए थे, तवा आया था, तवे के ऊपर टिक कीजिए। चप्पलें आई थी, चप्पलों के ऊपर टिक कीजिए। कमीज आई थी, नहीं आई थी, तो यहाँ पे रॉन्ग कीजिए। 50 पैसे आए थे, उसके ऊपर टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए, जैसे जोड़ी, बढ़िया, बड़ी, छोड़, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और इनमें से ड या ढ आया हो। अब आपके पास सीढ़ी का चित्र बनाया है, इसको क्या लिखेंगे, सीढ़ी। आगे पेड़, बुढ़िया, कढ़ाई, पढ़ना, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ड और ढ वाले तीन तीन शब्द लिखिए। ड से लिख लीजिए सड़क, लकड़ी, लड़की, पढ़ना, रगड़ना इत्यादि। ड से ड वाले शब्द बुढ़िया, चढ़ाई, भड़ना, पढ़ना, पढ़ना, चढ़ना इत्यादि। किन्हीं दो चीजों के नाम लिखिए जिन्हें हम जोड़े में पहनते हैं। अब दो चीजों के नाम लिखने हैं जो आप पेयर में ही पहनते हैं, जिनको आप, तो फर्स्ट पे आएंगे जूते, सेकंड पे दस्ताने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सुनिए आप। नीचे दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्द को नीचे लिखिए, स्पंदी। अब प्लास्टिक, चप्पलों, इनको बेटा संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं। जब एक आधा शब्द होता है, एक पूरा होता है, उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे क्योंकि गर्म होने पर पटरियां लेकर लंबी हो जाती है, तो आपने जो संयुक्त व्यंजन आए वो सारे आपने यहाँ पे क्या करने हैं, लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपके पास दिया भी गया है, ऊपर दिए गए वाक्यों में प्लास्टिक शब्द में प और स अपने बाद वाले वर्ण के साथ मिलकर बोले जा रहे हैं, कि जो एक तो स्वर के सहित है, एक स्वर रहित है। स्वर क्या होते हैं, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता के साथ नहीं बोले जाते। और व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन की आपकी डेफिनेशन है बेटा, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, आपस में जब मिलते हैं, संयोग का अर्थ है जब वो आपस में मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में पहला जो व्यंजन होता है, आप देखो संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन है, प्लास्टिक में देख लो, पहला जो व्यंजन है वह स्वर रहित है, उसमें किसी भी प्रकार के स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, वो व्यंजन ही है, आधा है, तभी आधा लिखा गया है। और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है, ल में क्या है, आपके स्वर लगा हुआ है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं आपकी पीडीएफ में इसकी डेफिनेशन दे दूंगी बेटा। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन। अब आप नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के समान तीन तीन शब्द और लिखिए, क्योंकि, क्या, मक्का, चक्का, मक्खन, चप्पल, स्पंदी, प्यास, प्लास्टिक, प्याज, सत्य, नृत्य, मृत्यु, नित्य। आगे पास एट्थ क्वेश्चन है बेटा, दी गई वर्ग पहेली में से पहनने वाले
कपड़ों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो फर्स्ट में आ जाएगा फ्रॉक, अगर ऐसे बनाएंगे तो आ जाएगा कमीज, और इधर को साड़ी, और इधर को लहंगा, और इधर पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 9 क्वेश्चन में आपके पास क्ल्यू दिए गए हैं। अब आप ऊपर दिए गए शब्दों का उचित प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरिए। भाप से मेरा हाथ क्या हो जाता है? भाप से झुलस गया, जल गया। पानी खौल गया है, तो आपने जल गया नहीं लिखना है यहाँ पे। भाप से मेरा हाथ क्या हो गया? झुलस गया। पानी खौल गया है, खौलना क्या है? बहुत गर्म हो गया है। बुलबुले जब आने लग जाते हैं, गर्म पानी जब होता है, आपने देखा हो ना, भाप भी निकलने लगता है, उसमें बुलबुले भी आने लगते हैं, उसको खौलना बोलते हैं। धूप में छत क्या हो गई थी? गर्म। सारे कागज जल गए। अब जल गए शब्द का प्रयोग यहाँ पे होगा, कागज क्या होंगे? जल गए। हर हाथ को क्या लिखोगे आप? झुलस गया। माँ ने आलू उबलने रख दिए, उबलने उबलने के लिए रख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर एक एक वाक्य बनाइए। आपके पास दादी माँ की पिक्चर बताई गई है, तो आप कुछ भी, कोई भी वाक्य बना सकते हो। दादी माँ की चप्पल टूट गई, या दादी माँ चप्पल को देख रही है, कोई भी सेंटेंस यहाँ पे आप बना सकते हो। नेक्स्ट है, आपने देख रहे हो स्पंदी जूतों की दुकान पे है, तो आप लिख सकते हैं स्पंदी चप्पलें लाने बाजार गया, या स्पंदी चप्पलों की दुकान पर है। आगे आपने देखा सर पे हाथ रखा हुआ है दादी ने, तो यहाँ पे लिखना है चप्पलें छोटी थी। नेक्स्ट, स्पंदी ने देखा कि तवे पर रखी चप्पलें गायब हो गई। बेटा जिसने ये चैप्टर पूरे नहीं किए वो पूरे कर ले, मैच कर ले, पीडीएफ के साथ मैच कर ले, पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी, और अपनी बुक्स कंप्लीट कर ले। धन्यवाद।